हिमाचल में एक पहाड़ की चोटी पर एक ऐसा शिव मंदिर है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन मैं यहाँ कैसे आ पहुँचा, ये अपने आप में एक कहानी है। अरे पर, अरे सर तो लगाने देते। चल वीरे, छूटदार चलते हैं। VIP टिकट के लिए पैसे नहीं है मेरे पास। अरे वहाँ सब VIP हैं। चल। अपने 27 साल के जीवन में मैं धीरे धीरे समझ चुका था कि दुनिया की बहुत सी चीजें पैसों से खरीदी जा सकती हैं। लेकिन क्या भगवान भी पैसों से खरीदा जा सकता है? ये सवाल थोड़ा पेचीदा है। जब जेब में पैसे ना हो तो मेहनत दुगनी करनी पड़ती है। तो मैं अपने दोस्त के साथ आ गया 18 किलोमीटर लंबे चूड़धार के ट्रैक पर। सुकून से दर्शन की उम्मीद तो मुझे यहाँ पर भी काफी कम थी, लेकिन सोचा कि ना इसी बहाने थोड़ी शरीर की वर्जिश हो जाएगी। और तकरीबन 8 घंटे बाद एक रहस्यमय पत्थर दिखाई पड़ा जो कुछ कुछ वासुकी नाग जैसा लग रहा था। बस थोड़ी सी ऊंचाई और बाकी थी। और फिर वो पल आया जब मैं पहाड़ की चोटी पर था और वहां से वो थे और मैं था और आसपास सिर्फ पहाड़ ही पहाड़। यहाँ कोई मुझे धक्का देने वाला नहीं था, तो मैं बस कुछ देर के लिए वहीं रह गया। मैंने उन्हें बताया, आपके नाम पर कुछ लोग फैसला ले रहे हैं कि कौन कितनी देर तक आपसे मिल सकता है। और मजेदार बात देखो जरा, आप तो वो हो जिन्होंने देवता हो या दानव, कभी कोई फर्क किया ही नहीं। यहाँ सुकून से बैठकर मुझे अपना उत्तर मिल गया कि पैसे से इंसान और वक्त खरीदा जा सकता है, लेकिन भगवान नहीं। आखिरकार दोस्त की बात सही निकली, उसके यहाँ तो सब VIP हैं।